मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जो एडन लोरन होते हैं वो एक घर के अंदर अपनी हॉरर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि आखिर क्यों रॉनी नाम के आदमी ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। सो पूरी टीम जो एडन लोरन की होती है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और लोरन अपनी एक सुपर नेचुरल पावर की वजह से एक हॉरर टाइम में चली जाती है और पता लगाती है कि क्यों रॉनी ने ऐसा करा। वो अपने आप को रॉनी इमेजिन करती है और धीरे धीरे करके जितने भी परिवार के मेम्बर्स होते हैं उन सबको मारना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो अपनी बीवी को मारते हैं, फिर उसके बाद अपने बच्चों को मारता है। तभी जो लोरन होती है उसको एहसास होता है कि छोटा सा बच्चा उसको दिख रहा है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो उसको बच्चा दिखता है और वो उसको देख के भाग जाता है। लोरन तभी उसको फॉलो करती है और वो अचानक से ही जैसे उसको पीछा करते करते बेसमेंट में चल जाती है। जैसे वो बेसमेंट के अंदर पहुँचती है उसको दिखता है कि जितने भी चारों बच्चे मरे हुए थे वो उसके सामने जिंदा खड़े हुए हैं। वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बच्चे एक मिरर की तरफ इशारा करते हैं, वो जैसे ही मिरर पर से कपड़ा हटाती तो उसको कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते तो उसके सामने एक ईविल नन खड़ी होती है जिसका नाम वेलक होता है, जो हमें आगे चल के मूवी में पता चलेगा। वो दोबारा जैसे उसको देख के डर जाते हैं, वो पीछे देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता, और जैसे वो दोबारा शीशे में देखते हैं नन उसके सामने खड़ी हुई होती है और अचानक से उसका गला पकड़ लेती है। तभी उसको चेहरे के पास एक आवाज़ सी आती है और जैसे वो चेहरे की तरफ देखती है तो देखती है अपने हस्बैंड को यानी अपने पति को, और जैसे उसकी तरफ देखती है उसको लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है और तभी उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। वो तभी डर के मारे चिल्लाती है और अचानक से हॉरर टाइम से सही टाइमलाइन में आ जाती है और वो अपने हस्बैंड को हग कर लेती है डर के मारे। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हुई है और हमें कुछ भाई बहन दिखाई देते हैं जिनमें जो सबसे बड़ी लड़की होती है उसका नाम होता है मार्गेट और जो उससे छोटी लड़की होती है उसका नाम होता है जेनेट। फिर दो भाई होते हैं जिसका नाम दिखाया है बिली और एक का नाम दिखाया है जॉनी। बिली को बोलने का डिसऑर्डर होता है यानी वो थोड़ा हकला के बोलता है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं जो मार्गेट होती है वो जेनेट को किसी टॉय के साथ खेलता हुआ नोटिस करती है। वो जाके उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम किस चीज़ के साथ खेल रही हो। फिर जेनेट उसको एक्सप्लेन करती है कि ये एक पैरानॉर्मल टॉय है जो आज ही उसने अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल के अंदर बनाया है। इस टॉय की मदद से वो किसी भी पैरानॉर्मल चीज़ से बात कर सकते हैं या फिर उससे कनेक्ट कर सकते हैं और उसके आंसर्स का जवाब दे सकते हैं। ऐसे ऐसे करके मार्गरेट उसकी बात में आ जाती है और वो दोनों उस टॉय के साथ खेलने लग जाते हैं। वो पूछती हैं कि हमारे घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं, तो ऐसा कुछ होता तो नहीं। तो जेनेट निराश होकर वो जो टॉय होता है अपने बेड के नीचे रख देती है। रात हो जाती है और फिर दोनों सो जाती हैं। जेनेट जैसे ही गहरी नींद में चली जाती है वो अचानक से अपनी बेड से करंट अपने नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती है जहाँ उनकी टीवी और एक सोफ़ा रखा है जिस सोफे पे एक घोस्ट यानी एक आत्मा का असर है। जेनेट काफ़ी ज़्यादा परेशान लगती है, बहुत ज़्यादा हैरान भी होती है और थोड़ा डर भी जाती है कि कैसे वो अचानक से अपने बेड से सीधा अपने लिविंग रूम के अंदर आ गई। उसको लगता है कि वो शायद दोबारा नींद में चलने की वजह से लिविंग रूम के अंदर आ गई है। वो दोबारा से ऊपर जाती है और काफ़ी सहमी और डरी भी होती है। उसकी बड़ी बहन तभी उसके लिए जागती है और उसके लिए गेट खोल देता है कि दोबारा अपने रूम में आके सो सके। फिर नेक्स्ट शॉट के अंदर हम देखते हैं जेनेट और बिली साथ मिलकर एक टॉय के साथ एक गेम खेल रहे होते हैं। उस टॉय के अंदर एक पोएम बजती है उस बिली के लिए क्योंकि बिली को बोलने का डिसऑर्डर होता है यानी वो थोड़े थोड़े बीच में हकला के बोलता है। इसी वजह से जेनेट उसकी मदद करती है उस पोएम गाने में ताकि वो बिना हकलाए बोलना सीख जाए। ये सब उसकी मॉम देखती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि दोनों भाई बहन कितने प्यार के साथ खेल रहे हैं। फिर वो कहती है कि चलो बच्चों सोने का वक्त हो चुका है और वो बिली को कहती है कि ज़्यादा बिस्किट ना खाए वरना तुम्हें रात को पानी के लिए जागना पड़ेगा। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं जो बिली होता है वो ज़्यादा बिस्किट खाने की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, इसी वजह से वो नीचे पानी पीने जाता है। और जैसे वो पानी पीता है खिड़की के पास खड़े होकर वो देखता है अपने आंगन में जो झूला होता है वो घूम रहा होता है, जस्ट लाइक उस पर बैठा हुआ कोई झूला हो। वो उसको देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और वो वापस ऊपर आने लग जाता है। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं जो जेनेट होती है वो नींद में काफ़ी ज़्यादा बातें बोल रही होती है। तभी उसकी जो बड़ी बहन होती है मार्गरेट वो जाग जाती है और उसको शांत कराती है। तभी जैसे ही मार्गरेट अपने दोबारा बेड पर सोने जाती है तो जेनेट उसके बगल में खड़ी हुई होती है और चिल्लाती है कि हमारे कमरे में वहाँ से कोई देख रहा है। मार्गरेट ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो जेनेट को उसके बेड पर लिटा के शांत करवा के सुला देती है। और जैसे ही अपने बेड पर आती है तो उसका एहसास होता है कि उसको कोई देख रहा है। वो लाइट जला के फिर दोबारा सो जाती है। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं जब बिली होता है वो पानी पी के ऊपर आहिरा होता है। तभी जो एक टेंट होता है उसके अंदर उसके सारे खिलौने रहते हैं। वो एक ट्रक को अपने ट्रक टॉय को उस टेंट के अंदर डाल देता है और दोबारा से अपने रूम के अंदर आके बेड पर लेट जाता है। तभी वो टॉय जो अभी उसने टेंट के अंदर डाला था तभी उसके रूम में आ जाता है। वो यही सब देख के काफ़ी सारे डर जाता है, घबरा जाता है। वो उस टॉय को खुद लेके उस टेंट के पास जाता है। तभी उस टेंट के अंदर उसको कुछ अचानक से कोई डरावना से दिखता है। वो जाके अपनी मॉम को जगाता है। उसकी मॉम तुरंत बाहर आती है और देखती है क्या हुआ। वो उसके टेंट के अंदर दिखाती है ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। तभी उसको नीचे से एक आवाज़ आती है। तभी उसको मॉम को लगता है कि शायद ये कोई चोर हमारे घर में आ गया हो। जैसे नीचे जाके देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि जेनेट उसी सोफे पे जिस सोफे पे एक आत्मा है एक ओल्ड मैन की उस पर लेटी हुई है।
वो जाके उसको चेक करते हुए कहती है शायद मैं दोबारा चलते इस सोफे पर आके लेट गई। वो जैनेट को ऊपर लेके जाते हैं, उसको रूम में आके सुला देते हैं। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं जैनेट घर पर अकेली है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो स्कूल की छुट्टी करती है, और जो उसके जितने भी भाई बहन होते हैं वो सारे स्कूल गए हुए होते हैं, और जो उसकी मदर होती है वो किसी काम की वजह से घर से बाहर गई हुई होती है। इसी वजह से जैनेट पूरे घर में अकेली होती है। वो अपने लिविंग रूम के अंदर, जिस लिविंग रूम के अंदर वो डरावना सोफा रखा है, जिस सोफे पर मौत हुई हुई है एक आदमी की, वो उसी कमरे के अंदर टीवी देख रही होती है। जैनेट के साथ उस टाइम बहुत ही अजीब सी हरकतें होती हैं, जैसे कि अचानक से उसके टीवी का चैनल जो होता है वो बदल जाता है, या फिर जो जहाँ उसने रिमोट रखा है वहाँ उसको रिमोट नहीं मिलता। ऐसे उसके साथ कई मर्तबा होता है। फिर अचानक से वो थोड़ा सा गौर से इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर अचानक से जैसे टीवी चैनल बदल जाता है वो देखती है जो रिमोट होता है वो आसमान में उड़ाते हुए अचानक से नीचे गिरता है। वो इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो जैसे ही सोफे की तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा देखती है तभी उसके पीछे एक बूढ़े आदमी की आत्मा आती है। उसके कान में थी कि ये मेरा घर है, देख के काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, बेहोश हो जाती है। अगले शॉट में हम देखते हैं लोरेन नींद से जागती है और देखती है कि जो उसका हस्बैंड है एड वो वहाँ पर है ही नहीं। वो जैसे ही थोड़ा अपने घर के अंदर आती है वो देखती है कि जो एड होता है वो एक पेंटिंग बना रहा होता है, जो उसने आज ही सपने में एक विलन यानी एक नन को देखा। वो जैसे उस पेंटिंग को देखती है लोरेन को रिलाइज होता है कि वो वही इवन नन है जो उसने अपनी पिछले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में देखी थी। वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं जो जैनेट होती है वो इस पर अपने आप को बांध कर अपने बेड से सोती है ताकि वो दोबारा से अपने लिविंग रूम के अंदर ना जा सके। फिर जैसे ही रात होती है वो अचानक से अपने बेड से गिर जाती है और वो अपने जाग जाती है क्योंकि उसने इस बार अपने आप को बांधा था, वो कहीं जाती नहीं है। तभी उसका जो गेट का दरवाज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा धक धक होता है। ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत करके अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है। वो जाके नीचे चेक करती है कौन था। तभी जैसे वो अपने सोफे पर लाइट मारती है तो सोफा उसको हिलने लग जाता है और ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी आकर अपने रूम में आकर बंद करती है। वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद करती है प्लस उस पर चेयर भी लगाती है ताकि कोई चेयर को दोबारा ना खोले। वो जाकर अपने बेड पर जैसे ही लेटती है तभी उसके बगल में जो चेयर उसने अपने रूम में गेट पर लगाई थी वो तभी उसके पास आ जाती है। ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर जैनेट को कुछ ऐसा फील होता है कि किसी ने उसके शोल्डर पर काटा है, वो दर्द के मारे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। तभी उसकी बड़ी बहन मार्गरेट जाती है, उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। तभी जो दोनों के बेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिलने लग जाती हैं। दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, अपने मॉम के रूम की तरफ जाती है। उनकी मॉम जैसे उनकी तरफ आती हैं तभी देख कहती है कि जैनेट ने कि किसी ने उसके शोल्डर पर काट लिया। वो अपनी मॉम को काटा हुआ दिखाती भी, उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और जैसे ही उनके रूम में चेकिंग करने जाती हैं तो उनको जैनेट का बनाया हुआ एक डोजा गेम दिखता है जिसके हम पैरानॉर्मल भूत से बात कर सकते हैं। वो चीज़ को लेकर दोनों पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती हैं। तभी उनका जो रूम होता है जो उसका गेट होता है वो अचानक से बंद हो जाता है, प्लस उस पर अलमारी भी लग जाती है, जो पूरे फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और डर के हमारे अपने पड़ोसी के घर भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट शॉट के अंदर हम देखते हैं जो लोरेन होती है वो अपनी लड़की की आवाज़ पे उसकी तरफ जाती है। फिर जैसे ही वो अपनी लड़की की तरफ जाती है वो देखती है कि मॉम वहाँ पे कोई खड़ा है। वो जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो देखती है कि एक इवन नन खड़ी है, और तभी अचानक से एक रूम में चली जाती है। लोरेन तभी उस नन का पीछा करती है, जैसे उस रूम के अंदर आती है जहाँ इवन नन गई है तभी उसको उसकी वहाँ पे एक पेंटिंग दिखती है। वो उसकी तरफ थोड़ा सा और गौर से देखती है, तभी जैसे लाइट जलाती है उसको रिलाइज होती है कि ये सिर्फ एक पेंटिंग है। तभी अचानक से उनके घर में एक टेप रिकॉर्डर होता है, वो अचानक से बच जाता है। ये सब देख के लोरेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। जैसे रूम के बाहर जाने वाली होती है उस रूम का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। लोरेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, तभी एक पेंटिंग तरफ देखती है। पेंटिंग के पीछे से एक शेडो है, एक इविल नन की शेडो जो धीरे धीरे उसी पेंटिंग की तरफ जा रही होती है। तभी उस पेंटिंग के पीछे से नन के हाथ आते हैं और पेंटिंग को पकड़ के लोरेन की तरफ काफ़ी ज़्यादा डरावने तरीके से भागती है। लोरेन इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अचानक से किसी चीज़ पर टकरा के गिर जाती है। फिर लोरेन हिम्मत करके नन से उसका नाम पूछती है और नन उसको अपना नाम बताती भी है। फिर लोरेन पूछती है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, तो वो उसको एक तरफ इशारा करती है और लोरेन को दोबारा से वही चीज़ दिखती है जो उसने पहले पिछली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में देखी थी, अपने हस्बैंड की यानी एड की मौत। वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, एकदम से ही जाग जाती है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कुछ न्यूज़ रिपोर्टर जैनेट को मार्गरेट के घर आए होते हैं उन दोनों का इंटरव्यू लेने की क्या वाकई में इस घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। जब उनके इंटरव्यू के दौरान जैनेट की आवाज़ किसी एक बुढ़े आदमी में बदल जाती है, ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं, और यही सब चीज़ एक कैमरे के अंदर रिकॉर्ड भी हो जाती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं एडल लोरेन को एक फादर के साथ कि वो एक टेप रिकॉर्डर में उन दोनों का जैनेट की आवाज़ सुनाते हैं और कहते हैं कि ये आवाज़ एक बुढ़े आदमी
की आवाज़ एक 12 साल की लड़की के अंदर से आ रही है। फिर उन दोनों को कहते हैं कि वो लंदन जाएं और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें। लॉरेन एड को मना करती है लेकिन वो फिर भी इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं लंदन। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं एड और लॉरेन जेरेड की मॉम से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि वो एक इस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है उनके घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं जो एडवर्ड होता है वो जेरेड के साथ थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है ताकि वो इस चीज़ का पक्का प्रूफ ले सके कि इस घर के अंदर जो जेरेड है उसके ऊपर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का साया है। वो उससे थोड़े बहुत सवाल जवाब करता है और अचानक से ही जो जेरेड की आवाज़ होती है वो एक बुढ़े आदमी में बदल जाती है। ये सब देख के एडवर्ड थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। तभी जो बुढ़ा आदमी होता है वो एड के बारे में उसकी बचपन की बातें भी बताता है कि कैसे उसके फादर उसको एडी एडवर्ड कहा करते थे। ये सब देख के भी एडवर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सरप्राइज भी हो जाता है कि उसके कुछ सवाल करने के बाद जो एड होते हैं वो उसको जीसस क्राइस्ट का क्रॉस दिखाते हैं और फिर अचानक से ही लाइट आ जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं जेरेड आराम से सो रही होती है। वो अचानक से जैसे ही जाग जाती है तो वो अपने बेड पर होती नहीं बल्कि दीवार से लगी हुई होती है, अपने लिविंग रूम की दीवार से, जिस रूम के अंदर उसके घर का हॉरर सोफा रखा हुआ होता है। वो जैसे उसकी आँख खुलती है सोफे पर देखती है तो सोफे पर बुढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। फिर जेरेड अचानक से एक रूम के अंदर आ जाती है जहाँ काफ़ी सारे क्रॉसेस लटके हुए होते हैं। धीरे धीरे वो जो क्रॉस होते हैं वो उल्टे होने लग जाते हैं और जैसे जेरेड दूसरी तरफ देखते हैं तभी उसको वही हॉरर बुढ़ा आदमी मिल जाता है, उसको पकड़ लेता है और जेरेड काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ जाग जाती है और उसकी रूम की तरफ जाती है जिस रूम के अंदर जेरेड बंद होती है। उस रूम के अंदर ताला लगा हुआ होता है तो वो बहुत ही कोशिश करती है उस ताले को खोलने की, वो ताला नहीं खुलता ना ही वो टूटता है। तभी उसको रूम के अंदर जेरेड देखते हैं, जेरेड कहती है कि मॉम मेरे रूम में मेरे साथ कोई है। और जैसे ही जेरेड हटती तो वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी उसकी माँ को भी दिखता है। उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है उनकी चीख पुकार सुन के। जो एड और लॉरेन होते हैं वो दोनों भी जाग जाते हैं और एड जल्दी से वो ताला खोलता है। जैसे उस रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पे जेरेड बेहोश हो भी होती है, उसकी माँ घबरा जाती है। और ये सब देख के जो एड और लॉरेन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हैं। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं एड और लॉरेन की टीम आती है लेकिन उन दोनों को शक होता है कि शायद ये जो फैमिली है इस चीज़ का थोड़ा बहुत ड्रामा कर रही है ताकि उनको पब्लिसिटी मिले, थोड़े पैसे मिले इस घर को चेंज करने के लिए। इसी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने कैमराज अपने इक्विपमेंट इस घर के ऊपर लगाते हैं ताकि उनको कोई ठोस सबूत मिल सके कि इस घर के अंदर सच्ची में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। अगले शॉट में हम देखते हैं जेनेट को उसके किचन के अंदर कोई दिखता है और जैसे ही मार्गरेट उससे आकर पूछे कि तुम्हें किचन के अंदर क्या दिख रहा है तो उसको दिखता है कि एक आदमी चक्कू के साथ खेल रही है। तभी जो उसका छोटा भाई होता है वो भी वो कहता है कि हमें किसे नहीं चाहिए क्योंकि हमारे घर है। वो जैसे किचन के अंदर जाता है वहाँ अचानक से जेनेट पहुंच जाती है और तभी बॉबी के बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर जैसे ही सारे बच्चे डर जाते हैं वो बहुत जोर की चिल्लाते हैं तभी वहाँ पे एड आता है और एड अचानक से देखता है कि जितने भी उसके किचन के सामान है वो सारे उड़ के बाहर आ रहे हैं, टूटने की आवाजें आ रही है। तो एड को लगता है इस घर के अंदर सच्ची में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। बहुत ही कोशिश करता है गेट तोड़ने पर गेट नहीं टूटता, आकर उसको गेट को लात मार के तोड़ना पड़ता है। और जैसे वो अंदर जाता है तो किचन का काफी ज्यादा गंदा हाल हो रहा होता है, वहाँ के बर्तन टूटे हुए होते हैं, वहाँ की चम्मच मुड़ी हुई होती है और जॉनी हमें एक अलमारी के अंदर मिलता है। फिर वो सब जेनेट को ढूंढने लग जाते हैं लेकिन जेनेट एक अलग कमरे में होती है। वो जैसे उसके पास जाता है तो जेनेट बहुत ही गंदी हालत में उसको मिलती है और जैसे वो उसकी तरफ क्रॉस दिखाते हैं तो जेनेट के अंदर जो आत्मा होती है वो कुछ शब्द बोलती है जो कि वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो जैसे कि हमने पहले देखा था एड और लॉरेन की टीम कैमराज वगैरह लगाते ताकि वो इस चीज़ को सबूत कर सकें कि इस घर के अंदर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं। और तो उन लोगों को सबूत मिलता है कि जेनेट ने खुद किचन का जो सामान है उसको तोड़ा है, फेंका, यहाँ तक कि चम्मच भी उसने अपने हाथों से ही मोड़ी है। ये सब देख के वो बाकी लोगों को यकीन हो जाता है कि इस घर के अंदर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है और उन सबको इस घर से जाना पड़ता है। तभी हम अगले शॉट में देखते हैं कि मार्गरेट की बहुत ही जोर की चिल्लाने की आवाज़ आती है और जैसे ही उसके मदर उसके पास जाती है वो देखते हैं जेनेट और मार्गरेट दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं एड अपना सामान जैसे ही ट्रेन में रखते हैं तो उनके बैग में से दो टेप गिरती हैं और जैसे वो टेप गिरती हैं कुछ इस तरह से गिरती हैं जैसे जीसस क्राइस्ट का क्रॉस हो। इस सब देख के एड को थोड़ा सा शक होता है, तभी उसको रियलाइज होता है कि जो जेनेट के अंदर आत्मा थी उसने कुछ शब्द कहे थे, शायद उन दोनों शब्द को कंबाइन करके उन लोगों को सबूत मिल जाए। और जैसे वो टेप रिकॉर्डर को सही करके बजाते तो उनको एक क्लू मिलता है जो उनको कभी पहले रियलाइज नहीं हुआ था। और जैसे वो क्लू उन दोनों को समझ में आता है जो लॉरेन है वो अचानक से अपने सुपरनेचुरल पावर की तरफ से एक पैरानॉर्मल लाइन में चली जाती है या पैरानॉर्मल आप टाइमलाइन भी कह सकते हो, हॉरर टाइमलाइन, उसके अंदर चली जाती है। उसको वहाँ जो भूत होता है उस घर के अंदर वो मिलता है, वो उससे बातचीत करते हैं, भूत उसको बताते हैं कि एक आत्मा ने उसको खुद यहाँ पर रोक रखा है। और जैसे उसको थोड़ा कुछ और बताया तभी पीछे से नन आती है और उसको मार देती है। ये सब देख के लॉरेन बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहती है हमें उस घर जाना पड़ेगा वरना वो सब बच्चे मर जाएंगे। और जैसे ही एड और लॉरेन वहाँ पे पहुँचते हैं अगले शॉट में हम देखते हैं जो लॉरेन होते हैं वो एड को
बता रही होती है कि अगर उन लोगों को नन का रियल वाला नेम पता चल जाएगा तो वो उस नन को काबू में कर पाएंगे। और ये सब देखते देखते वो जैसे ही घर पहुँचते हैं तो जितने भी वहाँ के फैमिली मेम्बर होते हैं वो घर के बाहर होते हैं, सिर्फ जेनेटी एक अकेली होती है जो कमरे के यानी घर के रूम के अंदर होती है। लोरेन और एड बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं घर के अंदर जाने की मगर वो जा नहीं पाते, तो एड डिसाइड करते हैं वो पीछे वाले दरवाजे ही आएगा। जैसे ही एड जाता है दरवाज़ा तो खुल जाता है, लेकिन जैसे लोरेन की बारी आती है अंदर जाने की वो दरवाज़ा वहीं पर लॉक हो जाता है। लोरेन एड से बहुत ही कोशिश करती है कि वो ना जाए उसके साथ जाए, लेकिन एड कहते हैं कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो जैनेट मर जाती है। एड जैसे ही ऊपर पहुँचता है तभी उसकी आंखों पर गर्म सी हवा लगती है, उसको दिखना बंद हो जाता है। लोरेन काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और लोरेन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन एड किसी तरह किसी एक कमरे में पहुँचता है। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद एड ऊपर पहुँचता है, जैसे ही वो ऊपर पहुँचता है तो जैसे हमने पिछले सीन में देखा था कि जैनेट और बिली एक टॉय के साथ खेले तो वो टॉय अचानक से बचने लग जाता है। और जैसे ही एड उसके पास जाता है तो उसके अंदर से एक डीमन निकलता है जिसका नाम होता है क्रुकुट मैन। एड किसी तरह से किसी ना किसी तरह से उसके बचता है। और फिर अगले शॉट में हम देखते हैं जो लोरेन होती है वो सोचती है कि आखिरकार उस नन का नाम क्या हो सकता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि जब पिछली बार उसको नन दिखी थी तो नन ने उसको अपना नाम बताया था जब लोरेन ने उसका नाम पूछा था। तो लोरेन जल्दी से आकर अपनी बाइबल चेक करती है और उसको उसका नाम मिल जाता है। फिर लोरेन जल्दी से जैसे पीछे गेट थोड़ा बहुत टूट जाता है, लोरेन भी पीछे वाले गेट से उस घर के अंदर आ जाती है। और फिर जो एड होता है वो जैसे कैसे किसी तरह जैनेट वाले रूम में पहुंचता है और देखते हैं जैनेट अपने ही घर से छलांग मारने वाली होती है विंडो से। वो जैसे उसको बचा लेता है तो एड के हाथ में कर्टन होता है और जैनेट होती है, वो दोनों साथ में गिरने ही वाले होते हैं कि तभी उसके पीछे लोरेन आती है। और लोरेन जैसे ही उसकी मदद करने आती है तो उसको नन अपनी पावर से दीवार पर चिपका देती है। वो बहुत ही कोशिश करके उसको बताती है नन कि मेरे को तुम्हारा नाम याद है, तुम्हारा नाम है वेलक और मैं ईश्वर के कहने पर तुम्हें नर्क में भेज रही हूँ। तभी नन है जो वहाँ से गायब हो जाती है। एड और जैनेट गिनने ही वाले होते तभी लोरेन उन दोनों को आके बचा लेती है। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस वगैरह और एम्बुलेंस वगैरह भी आई हुई है और जैनेट आके एड को गले लगाती है और एड उसको अपना जो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस उन्हें गले में पहना हुआ था उसको गिफ्ट करता है। फिर आगे चल के हमें एक कहानी बताई जाती है कि बाकी के 40 साल पैगी ने उसी घर के अंदर काटे और आखिरकार एंड लास्ट में जिस चेयर पे बिली विकिन्स की मौत हुई थी उसी चेयर पे उसकी मौत हो गई और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो और वीडियो भी पसंद आई हो। तो अगर प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही मार्वल डीसी से रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए मूवीज़ और सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।